वो औरत रोज उस नौजवान को देखती लेकिन वो बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाए उसकी गली से गुजर जाता था देखने में वो किसी मदरसे का तालबे इल्म लगता था, था लेकिन इतना खूबसूरत कि वो देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी और अब वो चाहती थी कि किसी तरह से उस पर नजरे अल्तात डाले लेकिन वो अपनी मस्ती में मगन था और सर झुकाए जेर लब कुछ पढ़ता हुआ रोजाना एक मखसूस वक्त पर वहां से गुजरता और कभी आंख उठाकर ना देखता था उस औरत को अब जिद सी हो गई थी वो हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ ना देखे और उसे ऐसा सोचने का हक भी था वो अपने इलाके की सबसे अमीर तरीन और खूबसूरत तरीन औरत थी खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे बेइख्तियार इख्तियार देखने पर मजबूर हो जाते थे उसे हैरत थी कि जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं वो खुद किसी को पसंद करे और वो मायल ना हो उसकी तरफ देखना गवारा ना करे अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तोहिन पर वो पागल होने लगी थी और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वो उस नौजवान को हासिल कर सके उसका गुरूर तोड़ सके अपना गुलाम बना सके आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वो नौजवान उसकी बात माने बिना रह नहीं सकता अगले दिन जब वो नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी कि बेटा, मेरी मालकन तुम्हें बुला रही है। नौजवान ने कहा अम्मा जी आपकी मालकन को मुझसे भला क्या काम हो सकता है उस औरत ने कहा कि बेटा उसने तुमसे कोई मसला पूछना है वो मजबूर है खुद बाहर आ नहीं सकती इसलिए आपको बुलाया है नौजवान उस औरत के साथ चला गया उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है वो क्या चाहती है वो तो अपनी फितरती दिली दाखिल हो गया उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत माजूरी की वजह से बाहर आने से कासिर है नौकरानी ने उसे एक कमरे में बिठाया और इंतजार करने और इंतजार करने का कहकर वहां से चली गई थोड़ी सी देर के बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई नौजवान ने बे अपनी नज़रें नीचे झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत ही खूबसूरत थी नौजवान ने पूछा जी बीबी आपने कौन सा मसला पूछना था मुझसे औरत के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई उसने अपने दिल का हाल खोल कर उसके सामने रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक दफा तुम्हें हासिल कर लूँ नौजवान ये बात सुनकर कांप गया और कहने लगा अल्लाह की बंदी अल्लाह से डरो क्यों गुनाह की तरफ मायल कर रही हो उसने औरत को बहुत समझाया लेकिन औरत पर तो शैतान का गलबा था उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचाऊंगी कि तुम जबरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए हो और मेरी इज्जत पर हमला किया है नौजवान बेचारा ये बात सुनकर बहुत ही परेशान हुआ उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह से महफूज नजर नहीं आ रही थी उसकी बात मानता तो गुनहगार होता ना मानता तो लोगों की नजर में बुरा बन जाता वो इलाका जहाँ लोग उसकी शराफत की मिसालें दिया करते थे वहाँ उस पर इस तरह का इल्जाम लग जाए ये उसे गवारा नहीं था वो अजीब और गरीब मुसीबत में बेचारा फंस गया दिल ही दिल में वो अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ और अल्लाह से मदद चाही तो उसके जहन में एक तरकीब आ गई हज़रत उसने औरत से कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ लेकिन पहले मुझे बाथरूम जाने की हाजत है मुझे जाने दे औरत ने उसे बाथरूम का पता बता दिया उस नौजवान ने अंदर जाकर काफी सारी गिलाजत अपने जिसम पर मल ली और बाहर आ गया औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी ये तुमने क्या किया जालिम मुझ जैसी नफीस तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए हो दफा हो जाओ निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब ही के नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह से पाक किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हुआ वापस मदर से चला गया नमाज हुई नमाज के बाद जब सबक में बैठा तो थोड़ी देर के बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है किस तलब इल्म ने खुशबू लगाई है वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी भी बदबू नहीं गई और उस्ताद जी तंज कर रहे हैं वो अपने आप में सिमट गया उसकी आंखों में आंसू आ गए थोड़ी देर के बाद उस्ताद जी ने फिर से पूछा कि ये खुशबू किसने लगाई है लेकिन वो खामोश रहा आखिरकार उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगे उस नौजवान की बारी आई तो वो सर झुकाए उस्ताद के सामने खड़ा हो गया उस्ताद ने उसके कपड़ों को सूंघा तो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि ये खुशबू तुमने लगाई है नौजवान रो पड़ा कहने लगा उस्ताद जी अब और शर्मिंदा ना करें मुझे पता है कि मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है लेकिन मैं मजबूर था उसने वो पूरा वाकया अपने उस्ताद जी को सुना दिया उस्ताद ने कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा बेटे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी सूंघी ही नहीं है और यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए अपने आप को गंदगी लगाना पसंद कर लिया लेकिन अल्लाह ताला ने उस गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया है जो कि इस दुनिया की लगती ही नहीं ये जन्नत की खुशबू लगती है दोस्तों कहते हैं कि उस नौजवान के जिस्म से वो खुशबू हमेशा आती रही दोस्तों ये परहेजगारी होती है और ये अपने आप को बचाने का अजर सवाब होता है अल्लाह ताला के हाँ कौन सी चीज और कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए और उसके सदक़े में अल्लाह ताला हम पर मेहरबान हो जाए इसका पता नहीं तो दोस्तों तकवा अख्तियार करें परहेजगारी इख्तियार करें दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और सदका की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज